हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। तो 4.2 से पहले वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आने चाहिए, तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ध्यान से हमें समझने वाली बात है, क्लोज कब क्या होते हैं और ओपन कब्स क्या होते हैं। देखिए, क्लोज कब होता है जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कम्प्लीटली इनक्लोज होता है उनका एरिया, लाइक सर्कल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड कर्व्स के एग्जांपल्स हैं। अब मैं बात करूंगा ओपन कर्व्स क्या होते हैं। ओपन जो कर्व्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। आप देख सकते हैं ओपन कर्व्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो एंड पॉइंट होंगे, ये एक इसका एंड पॉइंट होगा, एक ये इसका एंड पॉइंट होगा, और जो इनका एरिया होगा वो क्या होगा, इनक्लोज नहीं होगा। ये हमारे ओपन कर्व्स कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज की, तो सबसे पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ इनके डेफिनेशंस के बारे में समझ लेते हैं कि सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के कर्व्स क्या होते हैं, इनको एक स्टेटमेंट के रूप में हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले उन्हें देखेंगे, आप अपनी कॉपी में चाहें तो नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, सिंपल कर्व्स क्या होते हैं। सिंपल कर्व्स में यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सिंपल कर्व्स क्या होते हैं। दैट्स डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, और इफ ड्रॉ विथ पेंसिल स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट मे बी सेम, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है वो हमारे सिंपल कर्व्स कहलाते हैं। और क्लोज कर्व क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली क्लोज रहते हैं सेम पॉइंट पे, आप देख सकते हैं। और पॉलीगन क्या आते हैं, क्लोज्ड कर्व्स को हम लोग पॉलीगन कहते हैं, विथ जिसके अंदर एक विथ साइड एंड लाइन सेगमेंट जिसके अंदर होता है। इसके अलावा कॉन्वेक्स कर्व्स और कॉनकेव कर्व्स के बारे में दिया गया है कि आप इनको समझ सकते हैं, जिसमें कोई लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग विथ टू पॉइंट, जिसमें टू पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं वो हमारे कॉनकेव कर्व्स कहलाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स कर्व्स कहलाते हैं ये, जहाँ पे दो पॉइंट्स कनेक्ट होती हैं, कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व्स, जो उसके इंटीरियर में कनेक्ट होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कॉन्वेक्स कर्व्स। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की वो तो आपके चैप्टर में नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कॉनकेव की, तो ये सिंपल होता है, क्लोज्ड कर्व होता है, इट नॉट अ कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स नहीं होता। इट हैज़ एन आइडेंटिटेशन, जिसकी कोई आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे कोई इसका आइडेंटिटी नहीं होती है, इसमें हम नहीं बता पाएंगे, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, केवल सेगमेंट्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं इसके। तो अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स इनकी एक्सरसाइज के बारे में, कि वो जो 4.2 है उसके अंदर वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा रहे हैं। अगर बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि सबसे पहले क्लासिफाई करना है कर्व्स को, कि कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज्ड है। जो कर्व्स होते हैं वो कौन से क्लोज हैं और कौन से ओपन है, ये हमें बताना है। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन फर्स्ट की, जिसके अंदर क्लोज और ओपन की बात करी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो हमारा ओपन है और सेकेंड वाला है वो क्लोज्ड है बिल्कुल, ये भी ओपन है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दो एंड पॉइंट है, और ये हमारा क्लोज्ड है और ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसके अंदर हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ और रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें ओपन कर्व्स और क्लोज्ड कर्व्स के बारे में हमें बताना है। तो ओपन कर्व के यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पॉलीगन हमें ड्रॉ करने हैं, देखिए पॉलीगन ये पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट होते हैं, और यहाँ पे देखिए पॉलीगन मैंने ड्रॉ किया है, ए बी सी डी ई, यहाँ पे ड्रॉ अ पॉलीगन इंटीरियर शेड यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर हमें दिया गया है, गिवन फिगर आंसर द क्वेश्चंस, इट इज अ कर्व, क्या ये कर्व है, बिल्कुल ये कर्व है, क्या ये क्लोज है, बिल्कुल ये क्लोज कर्व है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका एरिया वो बिल्कुल क्लोज्ड है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर दिया गया है कि इलस्ट्रेट करना है इफ पॉसिबल इच वन फॉलोइंग विद द रफ डायग्राम, जो जिसमें अगर पॉसिबल है तो हमें रफ डायग्राम्स बनाने हैं, अ क्लोज्ड कर्व्स दैट नॉट अ पॉलीगन, एक ऐसा रफ बनाना जिसके अंदर पॉलीगन नहीं होती है। पॉलीगन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पॉलीगन में क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, तो यहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं है और बल्कि इनका एरिया क्लोज्ड है, तो ये क्लोज कर्व का एग्जाम्पल है जो कि पॉलीगन नहीं है। अब सेकेंड वाले एग्जाम्पल्स में बोला गया है कि द ओपन कर्व मेड अप द इंटायर ऑफ लाइन सेगमेंट के थ्रू हमें बनाना है, तो देखिए ये भी एक लाइन सेगमेंट है और ये भी एक लाइन सेगमेंट है, तो ये हमने बना दिया लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल। अब पॉलीगन विद टू साइड क्या है, किसी पॉलीगन को दो साइड से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, वी कैन नॉट ड्रॉ विद अ पॉलीगन विद टू साइड्स, टू साइड से किसी पॉलीगन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। तो ये कम्प्लीटली एक्सरसाइज थी माय डियर फ्रेंड्स, जो कि 4.2 के बारे में था। उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकेंगे और समझ सकेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।